नमस्कार, मैं कपीश बल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। प्रदेश भर में स्कूली छात्राओं के साथ अश्लीलता के कई केस सामने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी शिक्षा के गुरुओं की दरिंदगी रुकने का नाम नहीं ले रही है। उदयपुर जिले के वल्लभ नगर थाना क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तारावट में भी ऐसा ही एक वाकया सामने आया, जिसमें एक बार फिर शिक्षा विभाग को शर्मसार कर दिया। एक तरफ सरकारें बालिका शिक्षा एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने में जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा के मंदिर में बैठे कुछ शिक्षक बच्चियों के साथ असामाजिक कृत्य कर शिक्षा विभाग की छवि को धूमिल कर रहे हैं। वल्लभ नगर थाना क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तारावट में पिछले कई दिनों से शिक्षक अयूब अली व किशन लाल आमेटा विद्यालय की कक्षा 6 व 7 की बच्चियों के साथ अश्लीलता कर रहे थे। परेशान मासूम बच्चियों ने इसकी जानकारी अपने परिवारजन को दी, जिस पर शनिवार को ग्रामीण विद्यालय पहुँचे और हंगामा किया तो शिक्षकों ने अपने कृत्य को कबूल कर लिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने शिक्षकों की जमकर धुनाई भी कर दी। वह वल्लभ नगर पुलिस को सुपुर्द कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि इस मामले में पूर्व में भी प्रधानाचार्य को ऐसे घटनाक्रम को सूचना दी गई, लेकिन प्रधानाचार्य ने इस संदर्भ को लेकर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे शिक्षकों के हौसले और भी बुलंद हो गए और हरकतों से बाज नहीं आए। बच्चों के साथ अति होने पर ग्रामीण विद्यालय पहुंचे और रंगे हाथ पकड़ कर धुनाई कर दी। इधर मामला बढ़ते पर भी शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे और ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर वल्लभ नगर पुलिस ने मौके पर पहुँच अपराधियों को गिरफ्तार किया। इधर विधायक प्रीति सत्तावत भी बच्चों के परिजनों से मिलने गाँव पहुँची व आरोपियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। मुझे तो इसके बारे में लिखित में तो कोई कार्रवाई हुई आई नहीं। आपको सूचना कहाँ से मिली? मेरे को सूचना 2-3 दिन पहले सर से मिली थी, उन्होंने कहा था कि ऐसी बात होती है, लड़कियों ने उनसे कहा था, तो उनको मैंने उसी समय बुला करके और पाबंद कर दिया 3 दिन पहले। तो आपने कार्रवाई में क्या किया? उनको पाबंद कर दिया, पूरे स्टाफ को बुला करके और पाबंद कर दिया कि ऐसी हरकत नहीं आनी चाहिए, निकल के आगे मैं आपको सस्पेंड करूँगा। अच्छा, सस्पेंड करने का अधिकार आपके पास है? CBO कार्यालय में उनको रिलीव। आपने आगे उच्च अधिकारियों को सूचना दी? नहीं दी सर। क्यों नहीं दी सर? क्योंकि इसमें लिखित में नहीं था मेरे पास प्रमाण, इसलिए नहीं दी सर। बच्चों ने सूचना दी आपको 3 दिन पहले? तो मेरे सर ने किसी बच्चों ने कोई भी कंप्लेंट मेरे साथ में नहीं, बाकी भी बने एक्शन ले। क्या कहना है आपका? गांव वालों की शिकायत है कि बच्चों के साथ छेड़खानी। हाँ, बच्चों के साथ या बच्चों के साथ? लड़कियों के साथ। हाँ, आपका क्या कहना है? सर, मैंने बच्चों के साथ मारपिटाई मैंने की थी, उसकी शिकायत थी। थोड़ा ऊंचा बोलिए। अश्लील हरकत कर रहे उनकी मदद, वो आप उनके दूसरे माँ बाप होते हैं शिक्षा के केंद्र में। पहले माँ बाप जो जन्म देते हैं, जहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते हैं बच्चे, वो दूसरे माँ बाप कहलाते हैं। और आप ही ऐसे कर रहे हो कि छुपा लो बात को, उम्र का तो लिहाज करते हैं। आपकी छोटी छोटी बेटियां थी वो, और पूरी क्लास की बच्चियां, इनको तुरंत APO करवाओ। APO ने इनके खिलाफ कार्रवाई FIR दर्ज कराओ। क्यों बचाया वो साथ में? जिसके साथ छेड़छाड़ की है बड़ा दूस मुकदमो दर्ज कर रहा, ताकि कार्रवाई ढंग हुए। ठीक है, आपने HM साहब रेट बांध भी दवा सस्पेंड ऑर्डर नहीं आया, 2 दिन बैठी पड़ रहा।